हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता सैनी मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ के लड्डू, जो सर्दियों में बनाए जाते हैं। तिल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इससे सर्दी भी नहीं लगती है। ये लड्डू अब मकर संक्रांति को भी बनाते हैं, ये खाने बहुत टेस्टी बनते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया 300 ग्राम तिल लिए मैंने, 300 ग्राम ही गुड़ लिया मैंने, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और एक कटोरी घी की लिया मैंने देसी घी। अब तो हम तिलों को पहले थोड़ा सेक लेंगे। अब हम तिलों को सेकेंगे, उसके लिए हम कढ़ाई लेते हैं। अब इसमें तिल डाल देंगे, गैस को हमको बिल्कुल कम करना है। अब इसको लगातार हम चलाते हुए सेकेंगे, हमको ज्यादा भी नहीं सेकना है, थोड़ा सा ही सेकना है इनको। ज्यादा सेकने से कड़े हो जाते हैं और लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो हमको थोड़ा सा ही सेकना है इनको। ये थोड़े फूल जाएंगे सेकने पर तो खुशबू भी आने लग जाएगी इनमें, इनको लगातार ही चलाते रहे। हमें इसको लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक ही सेकना है। हमारे तिल भुन चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने तिलों को भून लिया है और अलग बर्तन में निकाल दिया। अब हम मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा पीसेंगे। अगर आपके पास मामदस्ता है तो आप मामदस्ते में पीस सकते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा पीसना है इसको, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। मैंने इनको पीस लिया है, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा है मैंने इनको। हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें वो घी डाल देंगे। अब इसको गर्म होने देते हैं। अरे घी गर्म हो गया है, अब हम गुड़ को इसमें डाल देंगे। जब तक मेल्ट होगा, जब तक हम इसको पका लेंगे, इसको मेल्ट ही करना है, ज्यादा चाशनी नहीं बनानी हमारे को। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और चिपकती भी नहीं है, जल्दी से बन जाता है। हमारा गुड़ मेल्ट होने लग गया है, तो थोड़ा सा और मेल्ट करेंगे हम इसको। हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, अब गैस को गैस से नीचे उतार लिए इसको। अब हमने जो पीसा था इनका बोरा था वो डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख लेंगे, फिर हम लड्डू बना लेंगे इसके। ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हाथ से बनने लग जाए लड्डू, इतना ठंडा करना है इसको। हमारे लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम थोड़ा सा लड्डू के लिए वो लेंगे, जितना हमारे को लड्डू की साइज बनानी है, छोटे छोटे बनाएंगे उनको। दोनों हाथों से ऐसे बना लेंगे गोल गोल।
हमारे एकदम परफेक्ट लड्डू बन गए हैं। अब अलग प्लेट में निकाल देंगे। ये लड्डू बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप ऐसे बना बना के प्लेट में रखते जाएं। ऐसे अब बाकी के सारे लड्डू बना ले। हमारे तिल गुड़ के लड्डू तैयार हैं। आप इनको एक महीने तक खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।